दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube के चैनल रितेश एलआईसी एडवाइज़र में। उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो की तरह से यह वीडियो भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आज की जो वीडियो है, यह वीडियो संबंधित है एजेंटों के लिए या SBA के लिए, ऐसे डेवलपमेंट ऑफिसर या एजेंट जो उनको LIC ने पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, प्रीमियम पॉइंट दिया हुआ है, उनके लिए यह वीडियो उपयोगी है। देखिए, कभी कभी होता यह है कि जैसे आपने प्रीमियम जमा किया, आपकी लिमिट से प्रीमियम का पैसा तो माइनस हो गया, लेकिन रसीद किसी टेक्निकल इशू के कारण या किसी कारण से, आपकी गलती के कारण से रसीद नहीं इशू हो पाई, तो उस कंडीशन में हम दूसरी रसीद कैसे निकालें, इसके विषय में यह जानकारी इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आइए देखते हैं कैसे दोबारा रसीद को निकाला जा सकता है। LIC ने यह व्यवस्था दे रखी हुई है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है जिस वजह से वह परेशान होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे दोबारा रसीद को निकाला जाए। इसमें देखिए, सबसे पहले है क्या कि कैशियर ट्रांजेक्शन MIS पर क्लिक करते हैं। यह जो कैशियर ट्रांजेक्शन MIS है, इसमें इसके जरिए आप यह जान सकते हैं कि किस कैशियर ने कितना पैसा, कितना चेक जमा किया हुआ है, या टोटल जानकारी आप कैशियर ट्रांजेक्शन MIS से ले सकते हैं। तो फिलहाल हम इस कैशियर ट्रांजेक्शन MIS पर क्लिक करता हूं। जैसे ही आप इसको कैशियर ट्रांजेक्शन MIS पर क्लिक करेंगे, इस तरह की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें ट्रांजेक्शन डेट आपको दिया होगा। अब जिस डेट में आपने ट्रांजेक्शन किया है, जिस डेट में प्रीमियम आपने जमा किया हुआ है, वो डेट आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। अब यहाँ जैसे ही आप डेट एंट्री करते हैं, 25/10/2016 आज का डेट मैं डाल दे रहा हूँ, तो ये 25/10/2016 को जितनी भी रसीदें आपकी, जितने कैशियर ने जितनी रसीदें काटी हुई हैं, जितने अमाउंट की, जितने चेक की, वो सारा का सारा डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर गेट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, यह एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस नई विंडो में जैसे मेरे चार कैशियर ने आज रसीद काटी है, अब चार कैशियर ने जो 25/10/2016 को, ये देखिए चार कैशियर ने रसीद काटा हुआ है, जिसमें कि पहले कैशियर ने एक रसीद काटी, दूसरे ने एक, और जो दो अलग कैशियर हैं उन्होंने दो दो रसीदें काटी हैं। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। अपनी सुरक्षा के लिए मैंने इसको हाइड किया हुआ है, यह आपके उसमें, आपके पोर्टल में यह पूरा का पूरा आपकी डिटेल शो होगी। तो है क्या कि अब आपको यहाँ से छांटना होगा कि किस कैशियर की ID से वो रसीद कटी है या किस कैशियर ने काटा है, और उसका प्रीमियम कितना है, यानी आपका कितना पैसा माइनस हुआ है, ये आपको देखना होगा कि कितना पैसा उस कस्टमर ने जमा किया हुआ था। यदि यह जानकारी है तो बड़े आसानी से ही आप रसीद निकाल सकते हैं। तो मैंने छांट लिया है। अब छांटने के बाद जो हमारे कैशियर से रसीद कटी थी, उसको मैंने यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लिया। कैशियर ID पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यह हिस्सा ओपन हो जाएगा, इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें है क्या कि ये 411.70 रुपये की रसीद काटी थी। हालांकि रसीद तो ये मैं निकाल चुका हूँ, आपको बताने के लिए मैं दोबारा इसको निकालने जा रहा हूँ। तो देखिए, 411.70 रुपये की रसीद है, पॉलिसी नंबर आपके सामने है, और ट्रांजेक्शन नंबर जो है, ये ट्रांजेक्शन नंबर आपको यहाँ से जो ये नंबर हैं 1, 2, 3, 4 के फॉर्मेट में जो भी नंबर हैं, आप उनको सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए या उसको कहीं कागज़ पर नोट कर लीजिए। इसके बाद आप ये देखिए, नीचे ऑप्शन होता है प्रीमियम, प्रिंट प्रीमियम कलेक्शन रिसिप्ट, आप यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरह की एक नई विंडो फिर ओपन हो जाएगी। इसमें देखिए तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है रिसिप्ट नंबर, दूसरा है कलेक्शन डेट, और तीसरा है इंडिविजुअल पॉलिसी रिसिप्ट। अब इसमें क्या करना है, रिसिप्ट नंबर में जो आपने कॉपी किया हुआ ट्रांजेक्शन नंबर, उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए, या कागज़ में लिखे हैं तो उसको यहाँ पर नोट कर दीजिए। कलेक्शन डेट यानी किस डेट में आपने पैसा कलेक्ट किया हुआ है, वह डेट आपको यहाँ पर डालना होगा। इंडिविजुअल पॉलिसी रिसिप्ट यानी जो पॉलिसी नंबर आपने एंट्री किया हुआ था, जो पॉलिसी नंबर के जरिए रसीद कटी है, वो पॉलिसी नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पॉलिसी नंबर डाल दीजिए। इसके बाद डिस्प्ले डिटेल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही डिस्प्ले डिटेल पर क्लिक करते हैं, मैं कर देता हूँ इसको, वैसे ही इस तरह की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है,
ट्रांजेक्शन नंबर आ गया, ट्रांजेक्शन डेट आ गया, मर्चेंट आईडी आ गई, किस मर्चेंट से यानी आपकी जो आईडी होगी उनकी आईडी आ गई, और कैशियर की आईडी आ गई, कितनी पॉलिसी इस ट्रांजेक्शन नंबर के थ्रू जमा हुई है ये आ गया, स्टेटस पेड है अनपेड है वो यहाँ पर बताएगा, इसके बाद टोटल अमाउंट कितना है यहाँ शो होगा, और रिसिप्ट नंबर क्या है वो यहाँ पर शो होगा। इसके बाद यहाँ पर यह जो ऑप्शन है व्यू रिसिप्ट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, और इसमें दिया होगा, ऊपर लिखा होगा बैक, और नीचे दिया होगा क्लिक हियर टू जनरेट रिसिप्ट। अब जैसे ही आप इस जनरेट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे इस तरह से यह सारा का सारा पेज खाली हो जाएगा। अब है क्या, पेज तो खाली हो गया, अब क्या करें, अब इसकी बात करना क्या है, सेम वही प्रक्रिया होगी, प्रिंट प्रीमियम कलेक्शन रिसिप्ट पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही प्रिंट प्रीमियम कलेक्शन रिसिप्ट क्लिक करते हैं दोबारा इसी तरह से विंडो ओपन हो जाएगी, सेम वही प्रोसेस दो बार करना है आपको। यहाँ पर रिसिप्ट नंबर में जो आपने कॉपी किया होगा ट्रांजेक्शन नंबर उसको डाल दीजिए, कलेक्शन डेट में जिस डेट में आपने ट्रांजेक्शन किया है वह डेट डाल दीजिए, और यहाँ पर पॉलिसी नंबर आप एंट्री कर दीजिए, डिस्प्ले डिटेल पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही डिटेल पर क्लिक करेंगे सेम जैसे पहले आया था सेम उसी तरह से दोबारा डिटेल आ जाएगी। अब है क्या, यहाँ दोबारा आपको क्लिक करना होगा व्यू रिसिप्ट पर। अब जब दोबारा आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर एक अलग तरह का लिखा हुआ आ जाएगा जिसमें लिखा होगा क्लिक हियर फॉर रिसिप्ट प्रीमियम, ये इस तरह से नंबर आ जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपकी रसीद एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नई वीडियो सॉरी नई टैब में या नए विंडो में ओपन हो जाएगा, आप वहां से रसीद प्रिंट करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी, और आपने हमें अपना कीमती समय दिया दोस्त, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि आपके सामने कोई समस्या है, कोई दिक्कत है जिसकी जानकारी आप मुझसे पाना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी हो तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या हमारी मेल आईडी है, मेल आईडी के जरिए भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं, या मेरी वेबसाइट है। दोस्त यदि आप सोशल नेटवर्किंग साइट जहां से जैसे फेसबुक है, गूगल प्लस है, या ट्विटर है, इन सोशल साइटों से अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो गूगल सर्च इंजन में रितेश एलआईसी एडवाइज़र आप डालकर सर्च करेंगे तो वहां से आपको मेरी जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट से मैं जुड़ा हुआ हूं वहां से आपको लिंक मिल जाएगी, आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और सच मानिए अगर आप मुझसे दोस्ती करते हैं तो रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में मैं एक बात और कहूँगा मित्र, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को, इस रितेश एलआईसी एडवाइजर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की जब भी वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको इसकी डिटेल मिलती रहेगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।